तो उस वक्त आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट निक्सन और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसिंजर, और वो लोग बड़ा एक साजिश में थे कि किस तरह चीन को रूस के खेमे से बाहर कर लिया जाए। चीन की तरफ आउटरीच, स्ट्रेटेजिक आउटरीच की थी। चीन भी घबरा रहा था सोवियत संघ की बढ़ती ताकत से और उसके आक्रामक तेवरों से, तो उन्होंने समझा, दोनों ने यथार्थवादी, पाकिस्तान वॉज द मिडवाइफ ऑफ दिस। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग करी और जनरल, उस वक्त जनरल बाद में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को उन्होंने बुलाया और सारी स्थिति बोला, ये रिफ्यूजियों का सैलाब भारतवर्ष पे आ रहा है, ये मैं सहन नहीं कर सकती। सैम, आई वॉन्ट यू टू टेक ओवर, आई वॉन्ट यू टू मूव इन। मैडम दैट मीन्स वॉर। He said, I don't mind. ये बांग्लादेश से ज्यादा इनका निशाना भारतवर्ष है, दिल्ली पर है। जी, ये तो हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ जाना चाहिए। आज के स्पेशल पॉडकास्ट प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया सुनती है। और आज का जो विषय है बांग्लादेश क्राइसिस, बांग्लादेश में जो संकट आया है, जो वहाँ चीख पुकार है, जो वहाँ शांति है, जिस तरीके जल रहा है, तो समझेंगे कि बांग्लादेश के सृजन में भारत की भूमिका क्या थी। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुजीबुर रहमान की क्या भूमिका रही, बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं, और आज उन्हीं की बेटी को बांग्लादेश से निकाल दिया गया, भारत ने शरण दिया। ये सब सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास उसी 1971 का जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उसके बाद जब बांग्लादेश का सृजन होता है, उस सृजन के इतिहास में साक्षी रहे हैं, उस युद्ध में भागीदारी रहे, यंग ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर के रूप में सर उस युद्ध में भूमिका अपनी निभाई है, आज उन्हीं से समझेंगे पूरी क्या कॉम्प्लेक्स इशू है, क्या नुआंसेस हैं बांग्लादेश को लेकर के, तो पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ है मेजर जनरल जी डी बख्शी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज के इस स्पेशल पॉडकास्ट प्रोग्राम में। क्यों, आई एम सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू हैव यू ऑन सर एफजीएस पॉडकास्ट। सर, ये हम जानने का प्रयास आपसे करेंगे कि आखिर 1971 का वो साल जब बांग्लादेश का सृजन होता है, दुनिया के मानचित्र में बांग्लादेश का सृजन होता है और भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, आज वही बांग्लादेश आप अशांति से चीख पुकार है, जल रहा है, कैसे देखते हैं भारत की भूमिका इस पूरे का पूरे परिदृश्य में, और किसने बांग्लादेश को जलाया? तो स्टार्ट, जैसे आपने बोला, सृजन से हम शुरू करें, तो देखिए 1971 में हम, मेरा बैच जो है जिसको बॉर्न टू बैटल बैच कहा जाता, हम लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे याद है मार्च के महीने में इलेक्शन उसके पहले हुई थी, जनरल याया खान डिक्टेटर थे जी। और वो फौज का उम्मीद थी कि जो इलेक्शंस के नतीजे आएंगे वो मिक्स्ड होंगे, तो वो जो है पीछे से कंट्रोल करेंगे जो भी वीक कमज़ोर प्रधानमंत्री बनता है। जब नतीजे आए तो उनको बड़ा सदमा लगा, क्योंकि पहली फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में एक हुई थी और उसमें जो आवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान की बांग्लादेश की पार्टी, तब तक बड़ा आक्रोश था वेस्टर्न विंग के खिलाफ कि वो कॉलोनी जैसे ट्रीट कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान को, वहाँ के सारे रिसोर्सेज खा के वेस्ट पाकिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी वगैरह वगैरह, काफ़ी दुखी थे लोग। तो उन्होंने वोट दिया आवामी लीग को और 167 सीट्स में से 165 वो जीत गए, यानी भारी बहुमत लिया, और कोई 80 कोई सीटें थी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पीपीपी जो पार्टी थी, और इसके चलते असमंजस खड़ा हो गया, क्योंकि कायदे से, कानून से अब शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन याया खान ने कहा और उसको खूब उकसाया, इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो की बड़ी भूमिका थी, कि ए बंगाली कैन नेवर बी द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ओवर माय डेड बॉडी,
और उसको भुट्टो ने भी उकसाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो वो बनना चाहता था, वो अयूब का पीछे लग्गू था, अयूब ने उसे उठाया, प्रोटेजे था अयूब का, और अयूब को ही जब 65 के युद्ध के बाद उसने गाली गलौज शुरू करी, डाउन किया, बड़ा महत्वाकांक्षी और अपॉर्चुनिस्ट, तो वो बनना चाहता था प्राइम मिनिस्टर, और ये नहीं चाहते थे कि कोई बंगाली आके प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान का जी, रावलपिंडी पे राज करे ढाका वाला। तो उसने पहले तो बातचीत का ढोंग किया कि हाँ जी बातचीत चल रही है, ये तो उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड्स वगैरह दी, और फिर धीरे से उसने वहाँ क्रैकडाउन के लिए तब तक तैयारी करी, अपने ट्रूप्स मूव किए, वो उन्होंने भारत का एक जहाज उड़ा दिया था हाईजैक करके, तो भारत ने बहाना उसका लेके सब ओवर फ्लाइट्स ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में बंद कर दी। नतीजन श्रीलंका के रास्ते उनको कोई 3 डिवीजन उसने भेज दी, एक डिवीजन पहले से थी बांग्लादेश में, वो काफ़ी नहीं थी डील करने के लिए इतने बड़े द्रोह के विद्रोह के साथ, तो उसने 3 डिवीजन भेजी साहब समुद्र एयर मार्ग से, समुद्र मार्ग से, और फिर उसने जब उसकी डिवीजन पूरी हो गई तो उसने जनरल टिक्का खान को भेजा कि इन बंगालियों को सबक सिखाओ कि फिर ये सिर उठा ना सके, कुचल दो इनका विद्रोह। तो उन्होंने टिक्का खान ने वहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया जिसके चलते ढाका यूनिवर्सिटी में कत्ल कारत हुआ, प्रोफेसर्स का, स्टूडेंट्स का, इंटेलेक्चुअल्स का, सारे जो बांग्लादेश की मांग कर रहे थे उनको उन्होंने अपने हॉस्टल से निकाल निकाल के खदेड़ खदेड़ के मारा, लाशों से भर गई पूरी ढाका की स्ट्रीट, खून बहना शुरू हो गया, और आर्चर ब्लड उस वक्त अमेरिका के कॉन्सुलेट जनरल थे ढाका में, उन्होंने सारा तमाशा देखा, और वो आर्चर ब्लड ने कहते हैं ब्लड टेलीग्राम उसने भेजा निक्सन को कि क्या आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन दरिंदों को जी। तो उस वक्त आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट निक्सन और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसिंजर, और वो लोग बड़ा एक साजिश में थे कि किस तरह चीन को रूस के खेमे से बाहर कर लिया जाए, चीन की तरफ आउटरीच, स्ट्रेटेजिक आउटरीच की थी, चीन भी घबरा रहा था सोवियत संघ की बढ़ती ताकत से और उसके आक्रामक तेवरों से, तो उन्होंने समझा, दोनों ने यथार्थवादी, पाकिस्तान वॉज द मिडवाइफ ऑफ दिस, तो हेनरी किसिंजर पाकिस्तान गया था, फिर बोला मेरा पेट खराब हो गया है, वो वहीं पे खबर आई कि वहीं पे वो अस्पताल में है, रेस्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के जहाज में बैठ के वो बीजिंग गया और माओ से, तुंग से मिला, चाउ एन लाई से मिला, और उन्होंने बड़ा ये फेर बदल किया जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में बाय मेकिंग एन आउटरीच टू चाइना, स्ट्रेटेजिक आउटरीच जो है ना, बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ था। तो पाकिस्तान को बड़े कृतज्ञ थे अमेरिकन की, वाह भाई इसने हमारा ये स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक में हमको मदद की है। तो निक्सन बहुत चाहता था पाकिस्तान को, जब भी वो घूमने गया था तो पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरान ने उसकी बड़ी खातिरदारी की थी, तो वो इंडिया को तो हेट करता था, खासकर मिसेस गांधी को, उसको बड़ा वैमनस्य और वैर था, पाकिस्तान का बड़ा चहेता था वो। तो जब ये क्रैकडाउन हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट दिया, आर्चर ब्लड के टेलीग्राम को उसने कचरे के डब्बे में डाल दिया कि साहब, जो उनका अपना फीडबैक था स्टेट डिपार्टमेंट का कि साहब यहाँ पे तो आवाम बहुत नाराज है पाकिस्तान से और यहाँ तो कायापलट होने वाली है, बांग्लादेश तो बन के ही रहेगा, तो हम गलत साइड में ना रहे। तो उसने बोला कोई कि द पाकिस्तानीज, द मुस्लिम्स डिड नॉट रूल इंडिया बाई बींग जेंटल, फेमस रिमार्क्स हैं ये हेनरी किसिंजर के जी, भाई बींग जेंटल। उन्होंने कहा कि साहब कत्लो गारत कर रहे हैं, तो बोले हाँ करने दो, पाकिस्तान की फौज है, संभाल लेगी, लात मारेगी, सीधे हो जाएंगे बंगाली। सीधे नहीं हुए बंगाली, जब इस तरह का कत्लो गारत शुरू हुई तो उन्होंने, जमायत इस्लामी ने रजाकार खड़े किए पाकिस्तान की फौज का सपोर्ट देने के लिए, और वो तो सबसे ज़्यादा कत्लो गारत उन्होंने किया, हिंदुओं को चुन चुन के मारना शुरू किया और हिंदू औरतों का मास रेप बलात्कार शुरू हुआ वहाँ पे। पाकिस्तान की फौज को हिंदू औरतें लाला के ये लोग सप्लाई करते थे जैसे कि पिम्प्स होते हैं। तो उस वक्त जो ईस्ट बंगाल राइफल्स थी
और ईस्ट पाकिस्तान रेजिमेंट जो थी इनकी जिसमें बंगाली भरे थे उनमें विद्रोह हो गया, भड़क गए वो बिल्कुल और उन्होंने विद्रोह किया पाकिस्तान की फौज के बरखिलाफ। और फिर मुक्ति वाहिनी के जो योद्धा थे, जो लोग थे जो कि परेशान थे पाकिस्तान के अत्याचारों से, उन्होंने हथियार उठा लिए और 1 मिलियन बंगाली औरतें रेप हुई, मास रेप। 3 मिलियन बांग्लादेशियों का नरसंहार हुआ और 10 मिलियन बांग्लादेशी भारत में रिफ्यूजी बन के आ गए। तभी हम PL-480 के शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस से उभरे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी भारत में और एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी आई थी पंजाब के लोगों के मेहनत से। तो लेकिन 10 मिलियन रिफ्यूजी, 10 करोड़ कब तक सहन कर सकते थे ये भार? हमने बड़े हाथ पैर जोड़े पाकिस्तान से कि भैया ये वापस ले लो रिफ्यूजी, ये आपके लोग हैं, ऐसे मत करो, ये नहीं। तो पाकिस्तान ने एक ना सुनी, उन्होंने कहा कुचल दिया, दमन चक्र शुरू हुआ। पहले तो ढाका से ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ, फिर फौज फैन आउट करके गाँव में जाती थी, पहले तोपों का फायर करती थी, फिर गाँव का सारा अनाज अनाज लूट लेती थी, अच्छी औरतों उनको उठा के, सुंदर जो थी उनको अपने गिरफ्त में रख के बलात्कार के लिए ले आते थे और कत्लोगारत किए, जेनोसाइड हुआ बांग्लादेश, द बुचर ऑफ बांग्लादेश जनरल टिक्का खान। और तब केवल मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी। मार्च के महीने में मैडम जब ये सब तमाशा शुरू हुआ 25 मार्च को क्रैकडाउन, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग करी और जनरल, उस वक्त जनरल बाद में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को उन्होंने बुलाया और सारी स्थिति बोला, ये रिफ्यूजियों का सैलाब भारतवर्ष पे आ रहा है, ये मैं सहन नहीं कर सकती। सैम, आई वांट यू टू टेक ओवर, आई वांट यू टू मूव इन। ही सेड, मैडम दैट मींस वॉर। ही सेड, आई डोंट माइंड। भाई वो भी एक आयरन महिला थी, आयरन वुमन ऑफ इंडिया, तो थरथर कांपती थी दुनिया उससे भी उसके टाइम में, तो थरथर कांपती थी दुनिया उनसे उस वक्त। तो सैम ने कहा, बट मैडम आई एम नॉट रेडी। बवाल खड़ा हो गया वहां पे जी, कोई जनरल मैडम को बोल दे कि साहब आप चाहती हैं मैं जाऊं लेकिन आई एम नॉट रेडी जी, तो उसकी तेवर चढ़ गए, व्हाट डू यू मीन यू आर नॉट रेडी? He says, madam, if you order me, I will go in. But I assure you, almost 100% failure now. But you let me prepare. Jee. And then go at the right time and place of my choosing. And I assure you, 100% success. So, उन्होंने बोला, what do you mean? उन्होंने बाकियों को बोला, आप जाएं, सब लोग जाएं. Sam भी उठ के आने लगे, no, Sam, you sit down. What do you mean? मैंने कहा, देखिए मैडम बात ऐसी है, ये भी मार्च का महीना ख़त्म हो चुका है जी। अप्रैल में मॉनसून शुरू हो जाती है बांग्लादेश में, जब तक मैं अपने ट्रूप्स इकट्ठे करूंगा, मेरे सारे ट्रूप्स वेस्ट में हैं या चीन के बरखिलाफ़ हैं, मुझे नीचे लाने पड़ेंगे अगर मैं चीन का फ्रंट इस वक्त खाली नहीं कर सकता, ज़्यादातर मैं वेस्ट से लाऊंगा, वेस्ट टू ईस्ट में लाते लाते मुझे महीना लग जाएगा ट्रेनों पे भर भर के स्पेशल ट्रेन। जब तक मैं लाऊंगा, मॉनसून शुरू हो चुकी होगी, एज इट इज़ बांग्लादेश के नदी नाले जो है वो तो 5-5, 7-7 किलोमीटर का पार्ट है, वो तो अनक्रॉसेबल बन गए होंगे, फ्लड्स होंगे, कीचड़ होगा, मेरे टैंक धस जाएंगे बादलों की वजह से, एयरपोर्ट मुझे, एयरफोर्स मुझे सपोर्ट नहीं दे पाएगी, आप फिर भी आदेश देती हैं तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं सक्सेस की कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो फिर आप क्या चाहते हैं? क्या मैं कहता हूँ कि मैडम मेरे को नवंबर दिसंबर में तैयारी के बाद जाने दो, अभी आपकी सारी ट्रेन जो है वो अनाज लेके जा रही है पंजाब से बाकी देश में, वो ट्रेनें डाइवर्ट हो गई मेरे ट्रूप मूवमेंट के लिए, तो लोगों हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो आप मुझे नवंबर दिसंबर के महीने में जाने दीजिए, मैं पूरा ब्रिजिंग इक्विपमेंट मेरा वेस्ट में है, मेरा सारा इक्विपमेंट आ जाएगा, यहाँ पे ईस्ट में चाहिए होगा मुझे नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ पार करने के लिए, तब तक बर्फ पड़ चुकी होगी हिमालय में, दर्रे ब्लॉक हो गए होंगे और चीन चाह कर भी इंटरवीन नहीं कर पाए, और उस वक्त एयरफोर्स का मुझे पूरा सपोर्ट होगा, हमारी नेवी दोनों विंग्स को ब्लॉकेट करके काट देगी, वो सबसे उपयुक्त टाइम होगा,
आप मुझे तब जाने दीजिए, मैं आपको 100% गारंटी का आश्वासन देता हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप समझती हैं कि मैं सही परामर्श नहीं दे रहा हूँ, तो आप बताइए मैं रेजिग्नेशन किस ग्राउंड पे दूँ, दिमागी हालात खराब होने की वजह से या सेहत की ग्राउंड पे, ये चॉइस आप मुझे बता दें। ग्रेट। तो मैडम देखती रही सैम की तरफ कुछ मिनट, तो वो हैरान रह गई, लेकिन फिर वो जो कुछ भी कहे, देखिए वो इंटेलिजेंट थी, समझ गए कि ये ठीक कह रहा है। कहती ओके सैम, डू इट योर वे, सही लगता है, वो भी समझ आ गई उनको। तो बड़ा भारत में आक्रोश था कि जो आ रहे थे रिफ्यूजी, ये छुपाया गया था उस टाइम की 80% हिंदू थे, ठीक है, बड़ा आक्रोश था कि वी शुड हिट बैक, सॉर्ट आउट पाकिस्तान, टीच पाकिस्तान अ लेसन। लेकिन बड़ी तफसील से तैयारी करी सैम मैनेकशॉ ने, ट्रूप्स वेस्ट से लाए गए, ब्रिजिंग इक्विपमेंट वेस्ट से लाया गया, नई सड़कें बनाई गई, एमिनेशन माल लॉजिस्टिक डंप किए गए, और उस वक्त जो इसके एक कर्ता धरता जो वहाँ पे मेन स्ट्रेटेजिस्ट थे वो ये थे, लेफ्टिनेंट जनरल JFR जेकब, और ये है सैम मैनेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ। ये मेरी किताब है डैश टू ढाका, तो बहुत तफसील से दर्शकों देखिए सर की किताब है, जैसे हमने सवाल सर से किए थे और सर समझा रहे हैं कि किस तरीके से जो बांग्लादेश का सृजन हुआ था और इस युद्ध में भारत ने जबरदस्त शिकस्त दी थी पाकिस्तान को, इस पूरी कहानी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस किताब को जरूर पढ़ें और गहराइयों को समझें कि ये आखिर क्या पूरा का पूरा मादा था। थैंक यू सर। वहाँ पे एक पोलराइजेशन हो गई, एक तो तबका था जमायत इस्लामी का, कमीनों का, जो कि पाकिस्तान की फौज का जिन्होंने साथ दिया था, उनके लिए औरतें जाके प्रोवाइड करी थी, यहाँ तक पिंपिंग का काम किया था, तो ये एक तबका था। फिर बांग्लादेश की फौज के कई सीनियर ऑफिसर थे जो कि वेस्ट पाकिस्तान में पोस्टेड थे युद्ध के दौरान, तो युद्ध के दौरान के बाद उनको रिपेट्रिएट किया जाए, जैसे जनरल जियाउर रहमान और इरशाद वगैरह वगैरह, तो वो लोग ज़्यादा ब्राइट ऑफिसर जो थे वो वहाँ पे थे वेस्ट में, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिएटर समझा जाता था, तो वो काफ़ी पाकिस्तान परस्त थे। अच्छा। यानी बांग्लादेश की फौज में ही एक अफसरों का तबका था जो कि पाकिस्तान में रहे थे इस युद्ध में, और वो पाकिस्तान परस्त लोग थे, इस्लाम परस्त लोग थे, और वो खुश नहीं थे इस फेरबदल से, ठीक है, और इस्लामिक वो उनकी जो फीलिंग्स थी वो ज़्यादा थी। 74 तक गदर होना शुरू हो गया बांग्लादेश में, अमेरिका बड़ा नाराज था, चीन बड़ा नाराज था, मुस्लिम देश कई बड़े नाराज थे कि ये भारतवर्ष ने कैसे तख्ता पलट किया है इधर पे वगैरह, और किस तरह पाकिस्तान को दो टुकड़े में तोड़ दिया है वगैरह वगैरह। तो 1975 में देजा वू की बात जिसको बोलते हैं ना, देजा वू, तो एक रिवोल्ट ब्रू होना शुरू हो गया मुजीबुर रहमान के बरखिलाफ, हमारी इंटेलिजेंस को भनक लग गई, तो हमने एक हेलीकॉप्टर भेजा कि मुजीबुर रहमान साहब और उनकी फैमिली को हम उड़ा के ले आए, क्योंकि ये लोग उनको जान के प्यासे मार डालना चाहते थे। बंग बंधु ने बेचारे ने आने से साफ मना कर दिया, मेरे लोग मेरे खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने उनको आज़ाद किया है पाकिस्तान की के बूट के नीचे से, और कैसे वो लोग मेरे ऐसा करेंगे। लेकिन उन्होंने किया साहब, उसकी पूरी फैमिली को मार डाला, हमारे हेलीकॉप्टर को खाली वापस आना पड़ा। एक वो था और एक ये दौर है जी। उसके बाद काफ़ी इस्लामिक कट्टरपंथियों का राज रहा वहाँ पे, जनरल जियाउर रहमान, जनरल इरशाद, मोहम्मद इरशाद, इनके 25 तो कू हुए साहब इसके बाद, कू आफ्टर कू आफ्टर कू आफ्टर कू, और फिर खालिदा ज़िया, बेगम खालिदा ज़िया, जनरल ज़िया की बेगम साहिबा, वो बनी प्रधानमंत्री। फिर मुझे 2005 तक फिर जो हमारे मुक्ति योद्धा थे वो फिर खड़े हुए, उन्होंने उनको लगा कि हमने इस देश को आज़ाद किया और ये देखो ये अब राज करने ये लोग आ रहे हैं पाकिस्तान परस्त, तो उन्होंने फिर वहाँ काउंटर कू हुआ, हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर बनी, ये सब हुआ वहाँ पे। और उसके मैं टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं तो उसको घंटों बोल सकता हूँ, बट लेट्स कम टू द प्रेजेंट, वील कट टू द प्रेजेंट। जैसे 1975 में हुआ तकरीबन वही चीज़ रिपीट हो गई है अब।
बोलिए। वही ये है पूरी बांग्लादेश के सृजन की कहानी, जिसमें सर ने जिस तरीके से पूरी का पूरा डायनेमिक्स को हमें समझाया, किस तरीके से हिंदुस्तान ने इस बांग्लादेश के सृजन में, इसके जन्म में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई, और उस समय के जो नेक्सस था, जो ट्रायंगल नेक्सस था इस्लामाबाद, बीजिंग और वाशिंगटन डीसी का, मुझे लगता है सर क्या आज जिस तरीके से बांग्लादेश जल रहा है, और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जिस बांग्लादेश को इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, आर्थिक सुधार में एक अच्छे मुकाम पर लाई, पिछले 15 सालों से बांग्लादेश पर कनेक्टिविटी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर एक नया उन्होंने आयाम दिया, तो क्या फिर से वही ट्रायंगल इस पूरे जो वर्तमान संकट है जो बांग्लादेश जैसे जल रहा है, और ये क्या लगता है आपको कि आज फिर वाशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तीनों एक हो गए हैं, और भारत को कहीं ना कहीं ये शेख हसीना के विरुद्ध नहीं बल्कि ऐसा लगने लगा है आज के टाइम में कि ये पूरी की पूरी मुहिम जो भारत के खिलाफ दिख रही है? ये बांग्लादेश से ज्यादा इनका निशाना भारतवर्ष है, दिल्ली पर है। जी जी जी, ये तो हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ जाना चाहिए, और बिल्कुल वही समन्वय शक्तियों का जिन्होंने बांग्लादेश की इमरजेंस को रोकने की हर कोशिश करी जी, हर कोशिश करी, जी तोड़ कोशिश करी बांग्लादेश को सृजन को रोकने के लिए, वो था अमेरिका, पाकिस्तान, चीन जी। अमेरिका ने बड़ा उकसाया था चीन को कि तुम भारत पे हमला कर दो, हमला कर दो, हमला कर दो, और उन्होंने यहां तक बोल दिया कि हमने इनको रडार देने थे, हमने नहीं दिए, इनके ये रडार गैप हैं, इस्तेमाल करो और वार करो इसके ऊपर। वो चाहते थे कि चीन हमला कर दे भारत पे, और फिर तो स्थिति बिल्कुल बदल हो जाती, लेकिन चीन ने समझा ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। और तब तक तो मैंने बताया मानेकशॉ की सोच बिल्कुल ठीक थी, तब तक बर्फ पड़ चुकी थी पहाड़ों पे, जी जी जी, ठीक है, और वो चाहकर भी हमला नहीं कर सकते थे। फिर चीन के अंदर खुद उथल पुथल हो गया था, लिन बियाओ ने तख्ता पलट की कोशिश की थी, माओ की वो आपस झगड़ा चल रहा था, तो उसके चलते चीन की फौज कुछ नहीं कर पाई, सुनहरा मौका खो दिया। जो वर्तमान संकट है इस पर, वर्तमान संकट, अब देखिए इसमें तीन बड़े प्लेयर हैं जी। हसीना वाजिद ने बिल्कुल कहा था कि एक गोरे देश का, मतलब उनका मतलब अमेरिका का था, प्रतिनिधि मेरे पास जनवरी की इलेक्शन के पहले आया, बोला मैडम आपकी इलेक्शन हम बिल्कुल ठीक होने देंगे, लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड आप हमको दे दीजिए, वहां पे हम बेस बनाना चाहते हैं, एयर बेस और नेवल बेस, तो हमको वो आइलैंड आप दे दीजिए, और दूसरा हम चाहते हैं, CIA चाहती है कि म्यांमार के इलाके, क्रिश्चियन इलाके, मणिपुर के कुकी और मिजोरम के क्रिश्चियन इलाकों को लेकर एक नए देश का निर्माण किया जाए। ये बयान है मैडम हसीना वाजिद का खुद, ठीक है। और इसके चलते उन्होंने कहा कि देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैं अपने देश की सॉवरेनिटी गिव अप नहीं करूंगी कि मैं आपको सेंट मार्टिन आइलैंड दे दूं, क्योंकि ये हमारे हितैषी हैं भारत, उनके भी हितों के बरखिलाफ है, हमारे हितों के बरखिलाफ है, हम बीच में लड़ाइयों में फंसेंगे आपकी चीन के साथ और ये वो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और चिढ़ गए वो लोग, ठीक है। और दूसरा, चीन ने उनसे डिमांड किया था कि चिटागोंग के पास एक एम के नाम से डीप सी पोर्ट है जिसको वो डेवलप करना चाहते थे, कुछ किलोमीटर साउथ है चिटागोंग के, और वो चाहते थे कि वहाँ पे डीप सी पोर्ट बनाया जाए, अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव से तिब्बत से इसको लिंक किया जाए ताकि ये जो समुद्री रास्ते से सामान है वो आ जाए, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तो हम दबोच देंगे, कनेक्ट कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने मना कर दिया, बेगम हसीना वाजिद ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, उल्टा वो जो पोर्ट की डेवलपमेंट उन्होंने जापान की एक कंपनी को दी। अच्छा, ठीक है। और चीन बहुत चिढ़ गया, चीन चाहता था कि तीस्ता का प्रोजेक्ट वो भारतवर्ष को नहीं उनको दे, उन्होंने भारतवर्ष को दिया, और कई इस तरह की चीनें डिमांड जो चीन की थी उन्होंने नजरअंदाज करी, और क्योंकि वो भारत के हितों के बरखिलाफ नहीं जाना चाहती थी तो वो चीन की यात्रा पर गई थी, 5 दिन की यात्रा थी जहाँ चीन उनसे बड़ी बेरुखी और बदतमीजी से पेश आए, और वो यात्रा को बीच में छोड़कर यानी तीसरे दिन वापस आ गए। तो लेकिन साफ था कि खुंदस अब अमेरिका को है, खुंदस
बीजिंग को है, मतलब इतने बड़े शक्तिशाली दुश्मनों को भी उन्होंने जो है सीधा खरी खोटी मुंह पे सुना के आ गई, क्योंकि वो अपने चाहती थी कि उनका देश जो है वो सुदृढ़ हो, सशक्त हो, आजाद रहे, इनके चुंगलों में ना पड़े वगैरह वगैरह, और उन्होंने कीमत चुकाई है। ये दो तो मास्टरमाइंड्स थे, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। हथकंडा उनका कौन था, उनका कैट्सपॉ कौन था, पाकिस्तान, पाकिस्तान की ISI। क्यों पाकिस्तान की ISI, डायरेक्ट CIA क्यों नहीं, क्योंकि उनका बड़ा क्लोज लिंक्स रहे हैं जमायत इस्लामी के साथ, वहाँ के कट्टरपंथियों के साथ, वो उनका मतलब इंटेलिजेंस नेटवर्क्स बहुत थे यहाँ पे, तो ये टास्किंग दी गई पाकिस्तान को। पिछले साल पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर, क्या नाम है इनका, मैं सर बदल जाते हैं बहुत जल्दी, वहाँ तो सब कुछ बहुत, खैर आसिम मुनीर साहब जो थे वो गए पाकिस्तान। याद रहे ये पहले DGISI रह चुके हैं, जबकि पुलवामा का ब्लास्ट कराया था। अच्छा। ये वही शख्स है, ठीक है, और अब ये पाकिस्तान की आर्मी का चीफ है, बड़ा भारी कट्टरपंथी आदमी है, और ये गया था अमेरिका। अमेरिका में ये किनसे मिला, विक्टोरिया नूलैंड, ये नाम सुना है आपने, आपने तो यूक्रेन का आप PhD किए हुए हैं, विक्टोरिया नूलैंड मैदान के कू की वो क्या कहते हैं कर्ता धरता है, मैदान का कू, और वहां पे जो युकानोविच, क्या नाम था उनके, विक्टोरियानकोविच को जो थे इनके पहले जो थे, उसका तख्ता पलट विक्टोरिया नूलैंड ने कराया। बहुत सारी वो रेवोल्यूशंस, चाहे पिंक रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन और अरब स्प्रिंग वगैरह की, वो भारत के पक्षधर थे विक्टोरियानकोविच। हाँ, वो भारत के पक्ष, वो रूस के बड़े पक्ष, रूस के पक्ष थे, इसलिए उनको हटाया गया, उनके खिलाफ भी ऐसा मैदान कू किया गया जैसा कि बांग्लादेश में किया गया, ठीक है। और वो मिली थी आसिम मुनीर से, देखिए तभी लोगों के कान खड़े हो गए थे कि विक्टोरिया नूलैंड से क्यों मिली, विक्टोरिया नूलैंड बांग्लादेश आ चुकी है अब, वो क्योंकि इतनी उनके जो ऐसी मानसिकता थी, अब उनको भी रिटायर कर दिया गया है। अच्छा। स्टेट डिपार्टमेंट से, लेकिन वो नुकसान कर गई है बहुत जगह, जो काम उन्होंने यूक्रेन में किए वही काम वो पाकिस्तान से करवाया उन्होंने बांग्लादेश के अंदर, इसी तरह का मैदान कू, यू नो, और बहुत हाथ है इन लोगों का। और नहीं, एक मिनट, सन 2016 में ISI की मुलाकात हुई बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक से, कहाँ पे, लंदन में, और उन्होंने तब से ये प्लानिंग हैचरी अपनी शुरू कर दी थी हथकंडे, और फिर अगले साल वो उनसे सऊदी अरेबिया में मिले, और ये पूरी प्लानिंग और गाड़ी की गई 2017 वगैरह में, और चलते 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 वार उन्होंने अब किया है और बिल्कुल सफलता पाई है। बहाना बनाया रिजर्वेशन के इशू को लेकर कि 30% रिजर्वेशन थी मुक्ति जोधास के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको ओवरटर्न करके 5% घटा दिया था, मुद्दा तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मुद्दा तो बहाना था जी, हटाना था हसीना वाजिद को, और उसके लिए उन्होंने वो और इंटेंसिफाई कर दी, एजिटेशन और इंटेंसिफाई कर दी। साफ जाहिर है कि भारत की इंटेलिजेंस हो तो नहीं रही, हमको भी भनक हो गई कि इनके खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है जी। और वो बेचारियों ने भी कुछ टैक्टिकल गलतियां करती हैं, काफी पहले डिफ्यूज कर देना चाहिए था, करती तो वो कोई और मुद्दा चुन लेते जी, क्योंकि उनका तो मुद्दा था इनकी तख्ता पलट करना, और इसमें वो सफल हो गए। तो कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के जो चीफ हैं, मैं एकदम, देखिए नाम मेरे को भूल जाते हैं, मैं बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैं एनीवे व्हाटएवर हिज डैम नेम इज, वो जो आर्मी चीफ हैं वो वैसे दूर के रिश्तेदार हैं हसीना वाजिद, नंबर वन, और वो उनके साथ जो आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करती है, मेजर जनरल बतौर वो उसमें रह चुके हैं, वो काफ़ी क्लोज हैं। एक पहले जनरल होते थे जो 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 उनके वो सन इन लॉ हैं, वो रिश्तेदार थे, नेफ्यू थे हसीना वाजिद के, उनके सन इन लॉ हैं ये, तो रिश्तेदारी है इनकी, उनकी हमदर्दी थी इनके तरफ, तो उनके सपोर्ट से फिर देखिए कहा जाता है कि उनका हेलीकॉप्टर था, मेरे हिसाब से तो
हमारा हेलीकॉप्टर था, नॉट वेरी क्लियर एज इट, लेकिन उनको वहां से इन टाइम निकाल लिया गया, 1975 नहीं होने दिया गया, नहीं तो उनका भी गर्दन काट दी जाती, उनके साथ क्या क्या किया जाता, भगवान जाने कैसे कुत्ते और दरिंदे लोग वहां पे इस वक्त घूम रहे हैं। तो उनको वहां से हेलीकॉप्टर से अगरतला लाया गया, त्रिपुरा लाया गया, फिर हमारे C-130 एयरफोर्स के विमान में उनको बिठा के बाकायदा एयर एस्कॉर्ट के साथ जो है उनको लाया गया हिंडन। वहाँ पे हमारे सुरक्षा सलाहकार उनसे मिले और फिर वो जाना चाहती थी यूके ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ये मुलाकातें तो लंदन में हुई थी, बिल्कुल ठीक है साहब। और USA फिर उन्होंने मांगी, उनकी काफ़ी फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स में है, उन्होंने भी मना कर दिया है, क्योंकि हथकंडे तो उनके चलाए हुए हैं। बिल्कुल। और साहब जो एक चीज जो उन्होंने करी है वो जरा चौंकाने वाली है, क्योंकि वो भारत के लिए एक जो है जैसे कि अब धमकी है। या यही वही सवाल है साहब, मैं आपसे को बता रहा हूँ, जिस तरह सद्दाम हुसैन का स्टैचू बगदाद में क्रेन्स लगा के गिराया गया था, फिल्म किया गया था, दुनिया भर को नाटक दिखाया गया था कि सद्दाम हुसैन खत्म खलास, जो इतना बड़ा तानाशाह वगैरह ये वो, और इराक में बड़ा पॉपुलर था, इराक के लोग चाहते थे उसको, आपके लिए तानाशाह हो, बट ही वॉज अ सेक्युलर लीडर, ही वॉज अ मॉडर्निस्ट लीडर, और कंपेयर टू दी अदर जो हैं खूंखार दरिंदे वहाँ पे जो घूम रहे, बट वो साहब जो देखिए उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया, एक दुनिया को मैसेज देने की कोशिश करी, इसने हमारी बात नहीं सुनी, ये देखो इसको तो हमने तख्ता पलट किया, ये तो भाग गई, वो तो एक्चुअली उसका नमूना बनाना चाहते हैं, ये तो भारत ने बचा लिया तो बचा लिया, वो तो उसको शायद फांसी पे टांगते, कितनी लाशें टंगी हुई हैं वहाँ पे, अब पुलों से उल्टी टांगी हैं, उनकी भी लाश वहाँ टंगी होती, ऐसे तो दरिंदे लोग हैं वहाँ पे, बट वो बच गई, वो आ गई हैं, वो इधर ही हैं अभी, और मेरा तो ख्याल उनको हमको असाइलम देना चाहिए, अगर हम दलाई लामा को असाइलम दिया है हमको उनको असाइलम देना चाहिए, कोई डर की बात नहीं, कोई हमको धमकी नहीं दे सकता बांग्लादेश में ये मोहम्मद यूनुस या कोई भी हो, ठीक है। और यूनुस ने तो हमको कहा है कि इंडिया को चूज करना पड़ेगा, हसीना वाजिद या बांग्लादेश, ठीक है, जैसे कि वो बांग्लादेश के उनकी मलकियत, तो एनीवे वो यहाँ अब आ गई हैं, अभी भी वो असाइलम के लिए ट्राई कर रही हैं, टैक्टिकली मे बी बेनिफिशियल फॉर सम टाइम फॉर हर टू बी एनीवेयर व्हाटएवर, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब भारत के लिए एक बड़ी बड़ी पेचीदी स्थिति खड़ी हो गई है। बांग्लादेश जो कि हमारा घनिष्ठ मित्र था, सपोर्टिव था, अब वो जो है ये वहाँ पे डेमोक्रेट्स अमेरिका के चाहते मोहम्मद यूनिस साहब को वहाँ लाया गया है, साफ अमेरिका के तार इसी से दिख जाते हैं, नोबेल प्राइज विनर वो है रहे हैं, और हिलरी क्लिंटन के चाहते हैं, वो बहुत इन्होंने इनके लिए जब इनको अरेस्ट किया गया था हसीना वाजिद के काल के दौरान, उन्होंने भारत को बोला था कि इनको छुड़वाओ, ये हैं बहुत अच्छे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और ये इन अ वे अब बोलें कि यूनाइटेड स्टेट्स कम हो रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स के चहेते आदमी अब वहाँ पे इंचार्ज हैं। नाउ वेयर डू वी गो जी, अगला यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, ठीक है ना, मैं आपका सवाल प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ।